गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बबलू कुमार द टीचर्स ऑफ यादवडील पब्लिक स्कूल। टुडे डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि HTML क्या है, व्हाट इज एन HTML। तो HTML के बारे में आज हम पढ़ेंगे, HTML के बारे में जानेंगे कि HTML क्या है। आप लोग पढ़ चुके हैं HTML के बारे में, HTML के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि HTML सब फर्स्ट ऑफ ऑल HTML क्या होता है। HTML मीन्स पूरा नाम इसका है, फुल नेम ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए पेज, वेब पेज आर क्रिएटेड इन HTML। HTML में हम लिखते हैं इसे वेब, इट इज क्रिएट टू वेब पेज। HTML का प्रयोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज है। कहता भेज ए ब्राउजर, जब आप ब्राउजर ओपन एन HTML फाइल्स, जब ब्राउजर को HTML फाइल खोलते हैं, इट लुक्स फॉर HTML कोड्स इन द टेक्स्ट एंड यूजर नेम टू चेंज। कहता कोई भी अगर आप ब्राउजर को खोलेंगे, ब्राउजर को, तो सबसे पहले कैसे खोलेंगे, तो ओपन द, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्राउजर एंड राइट क्लिक ऑफ द माउस बटन, राइट क्लिक ऑफ द माउस बटन, पॉपअप मेनू विल अपीयर ऑफ द माउस एंड चूज सोर्स ऑप्शन। इन द राइट ऑप्शन क्लिक अवेलेबल सोर्स ऑप्शन, राइट क्लिक करेंगे जो ऑप्शन खुलेगा उसमें चूज करेंगे सोर्स, क्लिक ऑन सोर्स द HTML कोड ऑफ एवरी ब्राउजर्स अपीयर। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के HTML कोड्स आपको क्या है उपयोग है। तो इसमें आप करते हैं सिंस HTML डॉक्यूमेंट्स आर जस्ट टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल आर रिटन इन द सिंपलेस्ट टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में लिखा जाता है, तो कहता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर, फर्स्ट नोटपैड एंड सेकेंड वर्ड पैड। मेनली टू टाइप्स होता है, टू टाइप्स ऑफ एडिटर। ए मोर पॉपुलर चॉइस टू यूज अ स्पेशल ग्राफिकल HTML। कहता है ग्राफिकल एडिट टेक्स्ट एडिटर, ग्राफिकल अगर हम एडिटर कहें तो उसमें होता है ग्राफिकल है तो WYSIWYG। इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट यू सी इज, व्हाट यू गेट। इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसी पर सबसे बात करता है कि व्हाट यू सी, आप क्या प्राप्त करना चाहते, देखना चाहते हैं, और इज व्हाट यू गेट, आपको प्राप्त क्या होना चाहिए। तो इस तरह से हम टेक्स्ट एडिटर, ये है दो टेक्स्ट एडिटर। तो नोट पैड आर द बाय डिफॉल्ट, हम कह सकते हैं कि नोट पैड में लिखा जाता है HTML को, HTML को नोट पैड में हम लिख कर इसका प्रयोग करते हैं। कहता है नोट पैड हमारा सबसे चीज है कि नोट पैड में हम लिख कर HTML प्रोग्राम को, HTML प्रोग्राम रिटेन्स इन नोटपैड एंड रन इन एनी वेब ब्राउजर। तो ब्राउजर कौन कौन है, तो ब्राउजर आपका हो गया जो हम ब्राउजर के रूप में कहते हैं, ब्राउजर, ब्राउजर्स कौन कौन है, तो हो गया गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, फायरफॉक्स हो गया, है ना, ओपेरा हो गया, सफारी हो गया,
ओपेरा, सफारी, हम जिसको लोग कहते हैं सफारी सर, और यह बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर, ब्राउजर ब्राउजर इन कंप्यूटर यार वेब पेज में इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर 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 ये बाय डिफॉल्ट है। यह दिस ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड इन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपका आता है। उसके बाद कहता है मेरा पहला पढ़ना है टैग्स, टैग्स क्या है, कहता है टैग्स क्या है, टैग्स टैग्स इन एचटीएमएल सेट ऑफ एलिमेंट, ये सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स इन एचटीएमएल, एचटीएमएल स्पेसिफिक कीवर्ड्स इनक्लोज्ड विद एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट हम कहते किसको है, ए एन जी यू एल या एंगुलर बी आर एस सी के टी ब्रैकेट, ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये जो दोनों आप देख रहे हैं एंगुलर ब्रैकेट, ये भी आपका एंगुलर ब्रैकेट है, दिस इज अ एंगुलर ब्रैकेट। तो इसमें हम जानेंगे कि ये एंगुलर ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में हमको इसको लिखना है, कैसे लिखते हैं टैग को, तो जैसे एच टी एम एल ऐसे लिखाता है एंगुलर ब्रैकेट में। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग, दो प्रकार के टैग होते हैं, पर टू टाइप्स, दो टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ टैग, आपका टैग्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन है आगे देखते हैं, टू टाइप्स ऑफ टैग, कहता है टू टाइप्स ऑफ टैग में, टू टाइप्स ऑफ टैग्स, टू टाइप्स ऑफ टैग, पहला कंटेनर टैग, कंटेनर टैग, दूसरा इंपटी टैग, इंपटी टैग, दो प्रकार के टैग होते हैं कंटेनर टैग और इंपटी टैग्स। कंटेनर टैग इंक्लूड बोथ द स्टार्ट टैग और इन टैग आर कॉल्ड कंटेनर टैग, कंटेनर टैग है जो कि स्टार्ट, इट इज अ स्टार्ट एंड इन, इज अ स्टार्ट हुआ और इन, जैसे हम लिखें एच टी एम एल, ये स्टार्ट हुआ और इसके बाद हम यहाँ लिख दिए क्लोज हो गया, यानी बीच में कंटेंट्स रहेगा, बीच में जो आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर कंटेंट्स रहेगा, कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, मगर एम्प्टी टैग ओनली ओपन बट नॉट क्लोज, ये सब क्या रहेगा, ओपन होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा, जैसे आपका हो गया बी आर टैग और एच आर टैग, बी आर मतलब ब्रेक द लाइन और एच आर मतलब हॉरिजेंटल लाइन, तो इस तरह से एम्प्टी टैग आप जाने। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहता है टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट विच कैन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा जैसे बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, कलर का मतलब कि बैकग्राउंड ऑफ द पेज, पेज का जो बैकग्राउंड है उसका कलर करने के लिए, उसका कलर करने के लिए बैकग्राउंड कलर का प्रयोग किया जाता है, तो बैकग्राउंड कलर और यूज टू बीजी कलर, ये सब एट्रीब्यूट है, फॉर्मेटिंग है, और भी अलाइनमेंट वगैरह का उपयोग भी हम कर सकते हैं। कहता है कि अब हम स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल के, स्टार्ट कैसे होता है एचटीएमएल को, एचटीएमएल को स्टार्ट करने के लिए ये सब आप जाने, टू टाइप्स ऑफ एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स में जा रहे हैं। अब लास्ट है स्टार्ट विद एचटीएमएल, स्टार्ट विद एचटीएमएल, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन ओपन नोटपैड, तो नोटपैड कैसे खोलेंगे,
नोटपैड खोलने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट क्लिक स्टार्ट बटन और प्रोग्राम एसओ श्री में जाएंगे नोटपैड पर क्लिक करेंगे, क्लिक और नोटपैड पर क्लिक करेंगे आपका जो कि क्लिक हो जाएगा। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले स्ट्रक्चर में कुछ नहीं लिखाता है तो आएंगे एचटीएमएल, फिर लिखेंगे हेड होगा HEAD हेड होगा, उसके बाद टाइटल TITLE टाइटल। टाइटल में हम देखिए क्या करेंगे कि टाइटल में हम कुछ लिखेंगे नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर में हम अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और यहाँ टाइटल को क्लोज करेंगे TITLE टाइटल। टाइटल देखिएगा यहाँ क्या हो गया, क्लोज हो गया TITLE।